के पीछे के आखिर कारण क्या हैं ये देखना होगा। और तेज प्रताप यादव का एक बार फिर से अपने ही पार्टी के एमएलसी के खिलाफ बगावती तेवर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आखिर क्या कुछ मामला है, तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने ही पार्टी के एमएलसी पर नाराज क्यों हो गए? अब बिल्कुल निर्भय, देखिए पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि तेज प्रताप यादव अपने ही पार्टी के कई नेताओं पर नाराज हो जाते हैं। और इस बार देखिए बात इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो रही है क्योंकि इंजीनियर सौरभ, जिनको टिकट जो है ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव द्वारा दिया गया था, तेज प्रताप यादव द्वारा पैरवी की गई थी, जिसके बाद उन्हें बेतिया से टिकट मिला था। हालांकि अगर उनकी राजनीतिक इतिहास की बात कर ले तो उससे पहले कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, वो इससे पहले बिजनेसमैन थे। आशा फर्नीचर की एक दुकान है इनकी, जिसको लेकर भी वो कई बार जिक्र कर रहे हैं तेज प्रताप। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कई सारे जो बात है उन्होंने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब इन्हें हमने टिकट दिया था तब ये कुछ भी नहीं थे, और अब जब जीत कर आए हैं उसके बाद हम उन्हें फोन करते हैं तो वो फोन भी नहीं उठाते हैं और दूसरों को फोन दे देते हैं और कह देते हैं कि बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को लेकर अब तेज प्रताप यादव जो है नाराज है। इसके बाद कई चीजें का खुलासा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जब वो चुनाव जीते हैं तो वो जरा चुनाव आयोग को जब ब्यौरा देंगे तो बताएं कि ये सारे पैसे कहाँ से आए जो उन्होंने लगाया एमएलसी चुनाव में जीतने का। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि 50 लाख का जो बाथरूम का उन्होंने बात कहा है कि ये कहां से बना, ये पैसे कहां से आए हैं, जरा इसकी जानकारी भी वो दें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के कहें तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की नाराजगी है वो सौरभ से इसलिए नाराजगी है क्योंकि टिकट जो दिया गया था वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के ही सहयोग से दिया गया था और अब उनको जो तवज्जो दी जानी चाहिए, यानी कि तेज प्रताप यादव को इंजीनियर सौरभ के तरफ से जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी शायद उसमें कमी है, नाराजगी यही है। उत्कर्ष, बिल्कुल निर्भय, देखिए साफ तौर पर यही बातें हैं कि अब इंजीनियर सौरभ उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इस वजह से जो तेज प्रताप यादव है वो खासा नाराज चल रहे हैं। कई बार उन्होंने फोन किया जीत के बाद लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो इन तमाम चीजों को लेकर वो नाराज है। हालांकि नाराजगी कुछ इस कदर है कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया कि जिन्हें हमने दूध पिलाया वो आज हमें फन मार रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए अगर उत्कर्ष, तो क्या पार्टी के तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान आया है? फिलहाल कोई इस तरीके के औपचारिक बयान नहीं आए हैं क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं वो फिलहाल अभी ना पार्टी कार्यालय में हैं, ना तो पार्टी से हटके अगर बोलने की बात करें तो किसी नेता की कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तेज प्रताप यादव एक बार फिर से नाराज होते हुए दिख रहे हैं और वो भी अपने ही पार्टी के एमएलसी पर। हालांकि अब इस नाराजगी के पीछे के और कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो और बड़े खुलासे करेंगे। फिलहाल उन्होंने आय से अधिक संपत्ति की बातें की है, कई जगहों पर उनके घर होने और इसके साथ साथ कई व्यवसायों का उन्होंने जिक्र कर दिया है अब तक। और इसको लेकर के अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी, किस तरीके की स्थितियां होंगी, देखना होगा। क्या तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए एक बार फिर से उनके परिवार के लोग हैं, उनके भाई जो होंगे वो उन्हें मनाएंगे, या क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये देखना होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव की नाराजगी एक बार फिर से देखने को मिली है और वो भी पश्चिमी चंपारण से। हाल ही में जीत कर आए एमएलसी जो राजद के एमएलसी प्रत्याशी रहे इंजीनियर सौरभ कुमार, और उन पर अब नाराजगी दिखी है। इधर